गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मुझे सिर्फ आपको याद दिलाना है कि अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो खुद को बिजी रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ ना करना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तब एक छोटी सी रोशनी की किरण भी हमें कितनी साफ नजर आती है। शायद इसलिए क्योंकि हमें अंधेरों में रोशनी की कदर करना आता है। वैसे भी हमारी जिंदगी के सबसे अंधकार भरे दिनों में हमारा फोकस कम से कम एक रोशनी की किरण पे तो होना ही चाहिए। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें बताते हैं कि जो हम चाहते हैं उसे ही पाना खुशी नहीं हो सकती। रियल खुशी उसमें है जो हमारे पास है। और वैसे भी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या हैं। इम्पोर्टेंट हमारी सोच है, हमारा नजरिया, हमारी थिंकिंग। हम सालों से खुद को ही क्रिटिसाइज करते चले आ रहे हैं। कोई काम बना इससे? हुआ कुछ भला हमारा? नहीं हुआ ना। तो अब ये सब बंद करो और खुद को एप्रिशिएट करना, खुद की तारीफ करना, ये सब शुरू करो। याद रखिए, सिर्फ आप ही अपने को छोटा बनाते हैं, दूसरों को मौका देते हैं, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना कोई आपको छोटा फील नहीं करा सकता। खुद की जिंदगी को मायूस ना होने दीजिए, क्योंकि आज जो सफल है उसने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही होगी। ये बात जान लो, मान लो, अपनी लाइफ की फिलॉसफी बना लो कि निडरता के साथ सामना करने पर जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। कोई भी काम इम्पॉसिबल तब तक लगता है जब तक वो हो नहीं जाता, और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक वो इम्पॉसिबल लगता है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, जो गुजर गया उसे जाने दो। हम जो भी पीछे छोड़ के आ चुके हैं, आगे उससे कहीं बेहतर चीजें होनी बाकी है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतनी अफसोस के साथ देखते हैं कि जो दरवाजा खुला है उसे देख ही नहीं पाते। पुरानी गलतियों को भूल जाइए, असफलताओं को भूल जाइए, अभी जो करने जा रहे हैं इसके सिवा हर चीज को भूल जाइए और अपना सारा फोकस उसमें लगाइए जो आप करने जा रहे हैं या अभी जो कर रहे हैं। ये दुनिया तो दुखियारों से भरी पड़ी है, लेकिन इन दुखों से पार पाने वालों की कतार ज्यादा बड़ी है। वैसे तो आप नरक में नहीं हैं, लेकिन अगर नरक से गुजर भी रहे हो तो भी रुको नहीं, चलते रहो, वरना नरक में ही रहना पड़ेगा। अपनी एक हार को आखिरी हार से कंफ्यूज मत करना। 7 बार गिरो, 8 बार उठो। जितनी ऊंचाई से गिरो उतनी ही ऊंचाई तक बाउंस बैक करो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जीते या हारे, इम्पॉर्टेंट है आप जिंदगी के खेल खेलते कैसे हैं। इट्स नेवर टू लेट। आप जो भी करना या जो भी बनना चाहते हो करो और बनो, देर जरा भी नहीं हुई है। बस खुद को और कंफ्यूज ना करिए। जो नहीं कर सकते हैं उसे बाद में देख लीजिएगा, अभी जो कर सकते हैं उसमें लगिए। जो जरूरी है वो करना शुरू करिए, फिर वो करिए जो पॉसिबल है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इम्पॉसिबल से दिखने वाले काम भी कब करने लगे। हम सब जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, शायद इसीलिए पेंसिल के पीछे इरेजर लगा होता है। आप शुरू तो करिए, क्योंकि शुरुआत करना ही आगे बढ़ने का रहस्य है। अगर आप जानबूझकर जितना आप हो सकते हैं उससे कम होने का प्लान करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बाकी की जिंदगी नाखुश रहेंगे। दुखी रहिए या खुद को मोटिवेट करिए, जो कुछ भी करना है ये चॉइस तो हमेशा आपकी ही होगी। जिंदगी आपकी तो फैसला भी आपका। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिलो दिमाग से उस नेगेटिव सोच को धक्के मार के निकाल दो और उसकी जगह लेके आओ पॉजिटिव सोच,
आपको आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, ये पक्की बात है। बस एक बार आपने दिल से उम्मीद का दामन थाम लिया, फिर सब कुछ पॉसिबल है।